साहब, एक महीने से ज्यादा हो गए हैं, क्या मुझे थोड़ी बहुत पगार मिल सकती है? तुम लोगों का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, हैं? अरे मालिक, इतनी मेहनत हम लोग पैसे कमाने के लिए ही तो करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है मालिक। इतना कहकर मंकू अपने मजदूर दोस्त राजेश के साथ वहाँ से चला गया। यार मंकू, सोमवार को ये बुढ़ा पैसे दे दे, उसके बाद मैं काम पर ही नहीं आऊंगा यार। वैसे भी मेरे बेटे की नौकरी लग गई है, उसने कहा है कि पापा आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मंकू, काश तेरा भी कोई बेटा होता तो इस बुढ़ापे में तुझे इन जैसे हरामखोरों की बातें सुननी नहीं पड़ती और न ही पैसों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता। राजेश, बच्चों को इस लालच में पाल पोस कर बड़ा नहीं किया जाता कि बुढ़ापे में वो हमारी मदद करेंगे। मुझे पता है कि तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं है बल्कि मेरी एक बेटी है। इतना कहकर मंकू अपने घर चला गया। रात में खाना खाने के बाद मंकू अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा था। क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया क्या? अरे पैसे नहीं मिले तो क्या हुआ, दो दिन बाद मिल जाएंगे। अरे वो बात नहीं है, मुझे तो अपने परम मित्र राजेश की बात को सोच सोच कर गुस्सा आ रहा है। अरे वो तो एक नंबर का नशेड़ी आदमी है, मैंने कितनी बार कहा है कि उससे दोस्ती तोड़ दो। वैसे ऐसा क्या कह दिया उसने कि आपका मुंह लटका हुआ है? जब मालिक ने पैसे नहीं दिए तो मैं उदास होकर अपने घर आ रहा था, राजेश भी साथ में था, तो उसने कहा कि बस एक बार मुझे पैसे मिल जाने दे, फिर मैं मेहनत मजदूरी करना बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे बेटे की नौकरी लग गई है और अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। वो जो है कुल मिलाकर मुझे ताना मार रहा था। उसके कहने का मतलब यही था कि हमारी एक बेटी है, बेटी की जगह अगर हमारा बेटा होता तो वो हमें कमा के खिलाता। अब बताओ ये भी कोई बात हुई भला? ये सब बातें उसकी बेटी माधुरी ने सुन ली। अगले दिन वो गांव में ही अपनी सहेली निर्मला के साथ घूम रही थी और उससे बातचीत कर रही थी। यार निर्मला, हम लोग गरीब हैं, तेरा भी कोई भाई नहीं है और मेरा भी कोई भाई नहीं है। मेरे पिता इस उम्र में भी मेहनत मजदूरी करते हैं, ये सब देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने किसी तरह मुझे पढ़ा लिखा दिया है, तो क्या मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकती? मैंने तो तुझसे कितनी बार कहा है कि तू कोई भी काम शुरू कर दे। मैंने तो बचपन में ही सिलाई सीख ली थी, कुछ पैसे इकट्ठा करके मैंने मशीन ले ली और गांव के सभी लोगों के कपड़े सिलती हूँ, जिससे मैं अपने माता पिता की मदद कर पाती हूँ। लेकिन मुझे तो सिलाई आती नहीं और ना ही मशीन खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं। तेरे पास कोई ऐसा प्लान है क्या जिससे मैं अभी काम शुरू करूं और तुरंत से ही कमाई शुरू हो जाए, और वो भी अच्छी खासी? पर मुझे कोई नौकरी मत बताना, खुद का कोई काम का आइडिया हो तो ही बताना। तभी वहाँ से गाँव के कुछ बच्चे गुजरे। अरे निर्मला दीदी, कल से पास वाले गांव में ना मेला लगने वाला है, आप लोग चलोगे ना? पूरा गांव जा रहा है, वहां हमें पापड़ी और पानी पूरी खाने को मिलेंगे। इतना कहकर वो बच्चे वहां से चले गए। तभी निर्मला के दिमाग में एक आइडिया आया। अपने गांव में, यहां तक कि आसपास के गांव में भी कोई पानी पूरी वाला नहीं है। अगर तू पानी पूरी का बिजनेस शुरू कर दे तो पहले दिन से ही रफ्तार पकड़ लेगा, क्योंकि यहां के लोग पानी सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए 4-5 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। लेकिन मैं एक लड़की हूँ, मैं पानी पूरी का ठेला कैसे लगा सकती हूँ? हाय, आज के जमाने में तू भी कैसी बातें कर रही है माधुरी। तूने उस वड़ा पाव गर्ल के बारे में तो सुना ही होगा, वो भी ठेले पर ही वड़ा पाव लगाती थी और आज देखो कितने बड़े रियलिटी शो में पहुंच गई। आज बड़ी बड़ी कारें हैं उसके पास, और रही बात तेरे पापा की तो चाचा को मैं मना लूंगी। अरे नहीं, मेरे पापा मना नहीं करेंगे, बल्कि वो तो मेरी मदद करेंगे, लेकिन मैं पापा को सरप्राइज देना चाहती हूँ और उनसे किसी भी तरह की मदद नहीं लेना चाहती हूँ। तू बता इस धंधे में कितना पैसा लगेगा शुरू करने में? अरे ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2-4 हजार से शुरू कर सकते हैं। मैं इतने रुपए अपने पापा से तो मांग नहीं सकती, तू तो सिलाई का काम करती है। तू ऐसा कर, आइडिया तूने दिया है तो पैसे भी तू ही दे दे। अरे ये भी कोई कहने की बात है माधुरी, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, मैं तुझे पूरे 5,000 रुपए दूंगी, कल से ही काम शुरू कर दे। माधुरी बहुत खुश हुई, उसने इस बारे में रात में अपने पापा से भी बात। पापा, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि मारी छोरियां छोरों से कम है, कि लोग आपसे कहते रहते हैं ना कि काश आपके घर एक बेटा पैदा होता। कुछ ही दिनों में लोग ये कहने लगेंगे कि काश हमारे घर एक मंकू की जैसी बेटी पैदा हो जाती। बेटा, मुझे समाज की बिल्कुल परवाह नहीं है, तुझे जो करना है कर, किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो मुझसे मत कहना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी खुद के दम पर इन गांव वालों को कुछ करके दिखाए, ताकि लोगों के मुंह पर तमाचा पड़े। कुछ दिनों बाद माधुरी ने पानी पूरी का ठेला लगा लिया। गांव में पानी पूरी का ठेला देख सारे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, औरतें, आदमी सब उस ठेले पर टूट पड़े। सुबह से लेकर शाम तक उसकी दुकान पर लाइन लगने लगी। ये बात जब गांव के प्रधान को पता चली तो उसने अपने आदमियों से कहा, कुछ महीनों से यह पानी पूरी वाली लड़की को ज्यादा ही उछल रही है। इस गांव का लौंडा हमसे आगे निकलने की कोशिश नहीं करता और ये लड़की हमसे आगे निकल रही है। इस काम के लिए इसे कम से कम मेरी मदद तो लेनी चाहिए थी, बिना मेरी परमिशन के इसने गांव में ठेला खोल दिया। पलटा दो उसका ठेला।
प्रधान के आदमियों ने माधुरी के पानीपुरी का सारा सामान उठाकर सड़क पर फेंक दिया। एक लड़की होकर पानीपुरी का ठेला लगाकर तो इस गांव की बदनामी कर रही है, और धंधा करने से पहले कम से कम प्रधान जी की परमिशन तो लेनी चाहिए थी ना, पर तूने ऐसा नहीं किया। अब दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश भी मत करना, समझी? प्रधान का आदमी वहां से चला गया। माधुरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर मेरी आंख से एक भी आंसू छलका और मैं टूट गई तो मेरे पिताजी और एक गांव वाले कभी भी मुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऊपर वाले तू ही कुछ मदद कर। अगले ही पल एक संत माधुरी के पास आए। अरे बेटी, इस संत को कुछ खिला दो। बाबा आप देख रहे हैं मेरा ठेला खाली हो चुका है, सारा सामान नीचे पड़ा हुआ है, मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। बेटा तू पानी पूरी जमीन से उठा और यही मुझे खिला दे। लगता है बाबा जी को कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। ठीक है, अगर बाबा जी आप खुद कहते हैं तो मैं पानी पूरी खिला देती हूँ। माधुरी ने वो पानी पूरी जमीन से उठाकर संत महात्मा को खिला दिए। बेटा मैं बनारस से यात्रा के लिए निकला हूँ, ये लो अगरबत्ती। इस अगरबत्ती को अपने ठेले पर लगा देना, फिर उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी वो कठिनाइयाँ खुद ब खुद हार कर तुझसे दूर चली जाएंगी। इतना कहकर वो संत महात्मा वहाँ से चले गए। माधुरी को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसने उसी वक्त वो अगरबत्ती अपने ठेले पर लगा दी। जैसे ही अगरबत्ती का धुआं चारों तरफ फैला, वैसे ही उसका ठेला पानी पूरी से भर गया। ये क्या, ये तो चमत्कार हो गया, ये पानी पूरी तो जादू से आ गई। जादुई पानी पूरी। अब माधुरी लोगों को पानी पूरी खिलाती जा रही थी, लेकिन उसके ठेले से ना ही पानी पूरी कम हो रहा था और ना ही चटनी। मैंने तुझे एक छोटा सा काम दिया था, एक लड़की से हार गया तू, एक लड़की का ठेला नहीं पलटा पाया। मैंने उसका सारा सामान फेंक दिया था मालिक, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। लगता है उसने पैसे तो बहुत ही कमा लिए थे, इसलिए उसने दोबारा सारा सामान भर लिया होगा। तुम सब लोग मेरे साथ चलो, देखता हूँ वो लड़की यहाँ पानी पूरी का ठेला कैसे लगाती है। माधुरी बहुत समझदार और चालाक तो थी, उसे पता था कि प्रधान या उसके आदमी नुकसान पहुंचाने के लिए जरूर आएंगे, इसलिए उसने कुछ हवलदारों को अपने ठेले से थोड़ी दूर पर छुपा रखा था। प्रधान अपने आदमियों के साथ वहां पर आया, और जैसे ही उसके आदमियों ने ठेले को पलटने की कोशिश की, वैसे ही उनके आदमियों को हवलदारों ने गिरफ्तार कर लिया। प्रधान जी आप और यहां, मैं आपको पानी पूरी खिलाती हूं। अरे घबराइए मत, मैं आपसे बिल्कुल पैसे नहीं लूंगी। माधुरी के इतना बोलते ही प्रधान के लालची दिमाग में एक आईडिया आया। अरे बेटा कम से कम हमसे एक बार इजाजत तो लेनी चाहिए थी। चलो छोड़ो, हम तुम्हें इस गांव में पानी पूरी का बिजनेस करने की परमिशन देते हैं। प्रधान के कोटे से तुमको एक रेस्टोरेंट बनाने के लिए जमीन मुफ्त में दी जाएगी, लेकिन हर रोज मुझे मेरे परिवार और मेरे आदमियों को मुफ्त में पानी पूरी खिलानी पड़ेगी। शर्त मंजूर है प्रधान जी, बस आप अपने वायदे को मत भूलना, सारे गाँव वाले गवाह हैं। अगले दिन से प्रधान के सभी आदमी माधुरी के ठेले पर खड़े होकर पानी पूरी खाने लगे। एक महीना बीत गया और उसके सारे आदमी बीमार पड़ गए, क्योंकि माधुरी दिन भर संत बाबा की दी हुई अगरबत्ती जला देती थी, जिससे वो जादुई पानी पूरी खत्म ही नहीं हो रही थी बल्कि बढ़ती जा रही। मैंने अपना वायदा पूरा किया, आप और आपके लोग जिंदगी भर पानी पूरी मुफ्त में खा सकते हैं। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। प्रधान ने वो जमीन माधुरी के नाम कर दी। काश मंकू की बेटी जैसी हमारी भी एक बेटी होती। सोनपुर गांव में केशव नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। मजदूरी का काम मिल जाए तो परिवार का पेट भर जाए, नहीं तो परिवार रूखी सूखी खाकर ही सो जाता था। एक दिन, सुनो जी तुम एक काम क्यों नहीं करते, इस गांव में तो कोई काम मिलने से रहा, तुम वो पहाड़ी के पार वाले गांव में भी तो जाकर कोई काम ढूंढ सकते हो, शायद कोई काम मिल जाए। पर कमला उस पहाड़ी का रास्ता बहुत खराब है, ज्यादातर सुनसान ही रहती है पहाड़ी। पर कुछ तो करना पड़ेगा जी, बच्चों को कब तक रूखा सूखा खिलाते रहेंगे, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना जी। ठीक है कमला, मैं कल सुबह ही दूसरे गांव के लिए निकल जाऊंगा, ठीक है, ताकि समय से वापस आ सकूं। कमला अगले दिन केशव को कुछ भुने चने और गुड़ बांध कर देती है। सुनो ये कुछ भुने चने और गुड़ लेते जाओ, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। केशव मजदूरी करने के लिए दूसरे गांव निकल पड़ता है। वो उस पहाड़ी के रास्ते चलता जाता है। आधे रास्ते चलने पर केशव थक जाता है, वो सोचने लगता है, थोड़ी देर यहीं इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। अरे कमला ने ये भुने हुए चने और गुड़ दिया था,
थोड़े खाकर भूख मिटा लेता हूँ। केशव जैसे ही चने और गुड़ खाने लगता है, एक चींटी उसके पास आती है। भैया, क्या थोड़े से गुड़ और चने मुझे दे सकते हो? मैं और मेरी बहनें भूखी हैं। हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, ये लो, तुम इन गुड़ और चनों से अपना और अपनी बहनों का पेट भर लो। चींटी खुशी खुशी वो गुड़ और चने अपनी बहनों को खिलाती है। जैसे ही चींटियाँ गुड़ और चने खाती हैं, देखते ही देखते वो सब सुंदर परियां बन जाती हैं। केशव ये सब देखकर हैरान रह जाता है। शुक्रिया रागी, आज तुम्हारी वजह से हम श्राप से मुक्त हो गई। हम परीलोक से धरती पर घूमने निकली थी। इस पेड़ के नीचे एक महात्मा भोजन कर रहे थे। हमने भूल से उनके भोजन में कंकड़ फेंक दिए, जिससे उन्होंने हमें चींटी बना दिया और श्राप दिया कि जब तक कोई राहगीर हमें भोजन नहीं देगा, हम अपने असली रूप में नहीं आ पाएंगी। पर तुम इस पहाड़ी पर कैसे? यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। केशव परियों को सारी आपबीती सुनाता है, जिसे सुनकर परियां भी बहुत दुखी होती हैं। वो केशव से कहती हैं, तुम चिंता मत करो केशव, तुमने आज हमारी सहायता की है, इसलिए हम भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये जादुई चूल्हा है, इस पर बर्तन रखते ही ये जल उठेगा और तुम जो भी कुछ खाने को मांगोगे बर्तन में पक जाएगा। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। जैसे ही तुम एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा, बोलोगे चूल्हा खाना पकाना रोक देगा। केशव को जादुई चूल्हा देकर परियां अपने लोक में वापस चली जाती हैं। केशव वो चूल्हा लेकर खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। अरे, तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए, और ये चूल्हा कैसा? अरे कमला रुको, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ, तुम एक पतीली लेकर आओ। हाँ, कमला एक खाली पतीली लेकर आती है। केशव पतीली को जादुई चूल्हे पर रखता है और चूल्हा जल उठता है। केशव दाल बोलता है और पतीली दाल से भर जाती है। केशव एक एक करके चूल्हे पर बर्तन रखता जाता है और मिनटों में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर कमला और बच्चे बहुत खुश होते हैं। देखा कमला, मिनटों में सारा खाना इस चूल्हे पर तैयार हो रहा है, और कुछ चाहिए तो बोलो। बस बस, अभी इतना बहुत है हमारे लिए। ठीक है, मैं इस चूल्हे को अब बंद कर देता हूँ। एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा। केशव मंत्र बोलता है और चूल्हा बंद हो जाता है। अब केशव के परिवार को भूखा भी नहीं सोना पड़ता था। एक दिन, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक चाय का ढाबा खोल लें। इस चूल्हे पर चाय और पराठे बनाकर बेचा करेंगे, इससे थोड़ी कमाई भी होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारी काम की तलाश भी बंद हो जाएगी। कह तो तुम ठीक रही हो कमला, बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक दुकान किराए पर ले लेता हूँ, जो पैसे आएंगे उससे किराया भी भर देंगे और घर खर्च भी निकल आएगा। केशव घर के नजदीक ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है और जादुई चूल्हा रखकर चाय बनानी शुरू कर देता है। धीरे धीरे केशव का चाय नाश्ते का ढाबा चल पड़ता है। आने जाने वाले लोग केशव के ढाबे पर रुककर चाय पराठे खाया करते थे। जिन गरीबों के पास पैसे नहीं होते थे, केशव उन्हें मुफ्त में ही खाना बांट दिया करता था। उसे अपनी गरीबी के दिन याद थे। धीरे धीरे केशव की गरीबी की हालत में सुधार होने लगता है। एक दिन, अरे भाई केशव, कैसे हो? अरे मोहन, अरे अरे, तुम शहर से कब आए भैया? है, गांव का तो रास्ता ही भूल गए लगता है। बस काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तुम्हारी भाभी को यहाँ गांव में कुछ काम था ना, तो दो एक दिन के लिए आए हैं। मैंने सुना है तेरे तो वारे न्यारे ही हो गए हैं, तूने ढाबा खोल लिया यार, जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है। आ मित्र, बस सब भगवान की कृपा है। बात कुछ और ही है, ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। अगले दिन केशव ढाबे पर जाता है, मोहन भी उसके पीछे पीछे जाता है।
अरे मोहन, अरे इतनी सुबह सुबह। मैंने सोचा कल वापस शहर जा रहा हूँ तो आज तुम्हारे ढाबे पर ही चाय नाश्ता कर लूँ, है कि नहीं? पता नहीं शहर से फिर कब आना हो। हाँ हाँ मोहन, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये भी कोई कहने की बात है। अरे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और पराठा लेकर आता हूँ ना। केशव ढाबे की रसोई में चला जाता है। मोहन केशव को छुपकर देखने लगता है। ये क्या जादू है, है? केशव ने इस चूल्हे पर पतीली रखी और खाली पतीली चाय से भर गई। अरे अब ये तवा रख रहा है, ये क्या पराठा भी बन गया? ये तो कोई जादुई चूल्हा है। अच्छा तो ये बात है, तभी कहूं ये रूखी सूखी खाने वाले ने ढाबा कैसे खोल लिया है। ये चूल्हा वैसे मेरे पास होना चाहिए, मैं इसे चुरा लेता हूँ। हाँ। शाम को जब केशव घर लौट जाता है, मोहन रात के वक्त चूल्हा चुरा कर पत्नी के साथ शहर भाग जाता है। केशव जब ढाबे पर आता है, चूल्हा गायब होता है। अरे अरे कमला, ए कमला, अरे हमारा जादुई चूल्हा चोरी हो गया है, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे? सुनो जी, जो हो गया सो हो गया, इस बहाने हमें मार्गदर्शन तो मिला। अब आप एक नया चूल्हा लेकर इस ढाबे को आगे बढ़ाओ, देखना आपकी मेहनत रंग लाएगी। केशव एक मेहनती व्यक्ति था, इसलिए उसने फिर से एक नई शुरुआत की। उधर जब मोहन अपनी पत्नी के साथ शहर में अपने घर पहुंचा, जाओ शीला एक खाली पतीली ले आओ, अभी तुम्हें इस चूल्हे का जादू दिखाता हूँ। जादुई चूल्हे, मुझे पुलाव चाहिए पुलाव। चूल्हे पर बर्तन रखकर मोहन ने जैसे ही पुलाव बोला, चूल्हा जलने लगा और पुलाव बनता चला गया। मोहन चूल्हे को फूंक मार मार कर बंद करता रहा, पर वो बंद ही नहीं हो रहा था। अरे ये चावल बनने तो बंद ही नहीं हो रहे, अरे ऐसे तो पूरा कमरा भर जाएगा, हम दोनों चावल के ढेर में दबकर मर जाएंगे। शीला क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो एक ही रास्ता है, इस चूल्हे को तोड़ दो। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं इस घटिया चूल्हे को तोड़ देता हूँ। मोहन गुस्से में चूल्हे को पटक कर तोड़ देता है। चूल्हे के दो टुकड़े हो जाते हैं और जादू खत्म हो जाता है। चूल्हे की जगह मिट्टी का ढेर पड़ा रह जाता है। केशव को जादुई चूल्हे की मदद से काम मिल जाता है और वो मेहनत से पैसे कमाने लगता है, जबकि मोहन के हाथ में आकर जादुई चूल्हा मिट्टी हो जाता है। किस्मत भी उनका ही साथ देती है जो ईमानदार और नेक दिल होते हैं। चोर और मक्कार व्यक्तियों के हाथ सदा ही खाली रह जाते हैं। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।